भी मत लो, वो तो दिन भर इतना बढ़ रहा है कि वीडियो बनाने वक्त मैं पूरा पसीने से भीगा रहता हूँ। और इंसानों का ये हाल है तो आप सोच सकते पंछी और जानवरों का क्या हाल होगा, पंछी और जानवरों का क्या हाल होगा। वो सिर्फ घर में भी नहीं रहते, एसी भी नहीं मिलता, फैन भी नहीं मिलता, उसके ऊपर उनके ऊपर रूफ भी नहीं मिलता और कुछ भी नहीं रहता, वो कैसे रहते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम उन पंछी उन जानवरों के लिए एक छोटा सा प्यावा बना देंगे, छोटा सा घर बना देंगे और छोटा सा के खाने के लिए छोटा सा बर्तन बना देंगे एक टिन कैन से। ये वाले जो टिन कैन है हमने इस वीडियो में यूज किया था, वेस्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं हवा से पिचका देने वाले एक्सपेरिमेंट में ये यूज किए थे, पर आज के वीडियो में ये फिर से यूज कर सकते हैं कि हम इस वीडियो में एक वेस्ट से बेस्ट करने वाले, ये वेस्ट है, सारी वेस्ट है, इससे बेस्ट करेंगे। तो चलो हमारे पंछी और जानवरों के लिए ये घर और पेव बनाना स्टार्ट करें। काट चीले के लिए थोड़े से ये टूल्स के इस्तेमाल करेंगे और ये सारे सीधे कर लेंगे। हथौड़ा तो बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये हथौड़ा यूज किया तो पहले ही कमजोर है, फिर टूट जाएगा, इसलिए हम बिना हथौड़ा के यूज किए इन सारे टूलों से ये करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा टिन कैन है, इन्हें क्या कर लेंगे ऐसे इधर से ऐसे ऐसे काट लेंगे, ऐसे चारों तरफ ऐसे काट लेंगे। दोस्तों इन्हें अभी नहीं धोएंगे, ये गंदे इन्हें बाद में धो देंगे, कट वगैरह सभी होने के बाद में धो देंगे क्योंकि इनके अंदर भी ऑयल रहता है, ऑयली रहते हैं, बाद में धो लेंगे, कट वगैरह वगैरह करने के बाद धो लेंगे। पहले आप देख सकते हैं ये स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे वेस्ट वाला है, स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे ऐसे रख देंगे और हल्का सा कट लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये हल्का सा ये होल हो गया है और एक गटर से देख सकते हैं ऐसे कट कर लेंगे और ऐसे कट करते हुए जाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा ऐसे कट कर दिया हो, जैसे आपको बोला था ऐसे कट करके ऐसे बेंड कर दिया हो, चारों तरफ बेंड कर दिया, आप देख सकते हैं। और ये वाला क्या देख सकते और इसे क्या करेंगे ऐसे कट कर लेंगे, आप देख सकते हैं ऐसे 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 दो पीस में कर लेंगे, दो पीस या ऐसे ऐसे बेंड कर लेंगे, ऐसे यू शेप में कट कर लेंगे और ऐसे बेंड कर देंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कट हो चुका है और इसे बीच से मार देंगे और ऐसे बेंड कर देंगे, तो ऐसे हो चुका है। और ये थोड़ा इस प्लेयर से अच्छे से इसे मार देंगे और अच्छे तरह से सीधा कर लेंगे। ये सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला डब्बे को क्या करेंगे ऐसे ऊपर से ऐसे चारों तरफ काट लेंगे और इसमें पानी भरने के लिए होगा, इसमें खाना खाने के लिए होगा और ये वाला डिब्बा ऐसे आसमान में टंगा देंगे। सारे अच्छी तरह से कट होने के बाद और ऐसे पॉलिश होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा और धो के भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला ऊपर कट कर जाओ और ये आधा ऐसे कट कर जाओ और इसे ऐसे कट कर दियो। अब क्या करेंगे जो बॉर्डर है अच्छी तरह से प्लेयर से इसे मोड़ देंगे, नहीं तो ये चुभ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज शाम हो चुका है तो चलो इस वीडियो को कल स्टार्ट करते हैं, रात होने वाला है, पूरा अंधेरा हो तो देख सकते हैं ये जो अंदर बैंड थे इन्हें हमने जितना हो सका उतना सीधा कर दिया, आप देख सकते हैं इसे भी सीधा कर दिया है और ये ऐसे ही कटा हुआ है। अब क्या करेंगे इन्हें अच्छी तरह से धो लेंगे और यहाँ पे मोड़ दिया हो, देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से मोड़ दिया हो जिससे अगर कोई भी जानवर इसे मुंह डाले तो इसे कुछ भी नहीं होगा, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं होगा और इससे भी कुछ भी नहीं होगा, आप देख सकते हैं ऐसे कर दिया है। अब इन्हें धो देंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ये डिब्बे अच्छे तरह से धुल के रेडी हो चुके हैं और अच्छे तरह से सूख भी गए हैं। और ये हो गया हमारे चिड़ियों के लिए, ये हमारे जानवर के लिए, इसमें पानी भर देंगे, खाना डाल देंगे। देख सकते हैं हमारे पास एक जला हुआ वायर है जिसमें जिसे इस हैंडल में आप देख सकते हैं जो डिब्बे का हैंडल है इसमें अच्छी तरह से फंसा लेंगे और अच्छी तरह से इसे
बांध लेंगे। अब देख सकते ये बांध लिया हूँ। एक बॉटल है और एक कैंची ले लेंगे, यहाँ पे देख सकते यहाँ पे एक होल डाल लेंगे और इसे अच्छे तरह से कट कर लेंगे, अच्छे तरह से कट कर लेंगे। ये वाला हिस्सा चाहिए होगा हमें, और क्या करेंगे ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, इतना इतना भी चाहिए होगा, इसे भी काट लेंगे, अच्छे से कट कर लेंगे। ये कट हो चुका है। ये मिडल का पार्ट हमें नहीं चाहिए होगा, ये ऊपर का और ये नीचे वाला पार्ट हमें चाहिए होगा। क्या करेंगे बोले तो आप देख सकते हैं इस डिब्बा है ना, ये वीडियो के लिए बनाए हुआ डिब्बा, इसके नीचे थोड़ा सा ग्लू अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा ग्लू अप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे रख देंगे। ढक्कन पे थोड़ा सा ग्लू अप्लाई कर लेंगे और इसे भी इस तरह इसके अंदर चिपका लेंगे। अब देख सकते अच्छी तरह से वो चिपक गए। बॉटल कट करके क्यों लगाया वो बोले तो अब देख सकते मेरे पास थोड़ा सा पानी है, इस पानी इसमें डाल देंगे। आप देख सकते पानी पीने के लिए इसमें डाल देंगे चिड़ियों के लिए, और थोड़े से बहुत सारे दाने मिक्स करके लाया हूँ, इन दानों को भी इस बॉटल में डाल देंगे, बॉटल में डाल देंगे। क्या कर लेंगे वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे टंगा देंगे। सब देख सकते हैं ये चिड़ियों के लिए दाना खाने के लिए और प्याज बुझाने के लिए अच्छी तरह से सेटअप हो चुका है, और हमने यहाँ पे घर के कोने में टंगा दिया। तो इन दोनों को क्या करेंगे बोले तो वहाँ पे गेट के सामने इन्हें रख देंगे, इसमें खाना डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे प्याज बुझा सकते हैं और पेट भी भर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पे रख दिया गेट के सामने, और इसमें देख सकते हैं पानी भर दूंगा, इस में पानी भर दूंगा, इसमें वो पानी भी पी सकते हैं और इसमें खाना डाल देंगे जिससे वो खाना भी खा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपने देखा कि हमने पंछियों के लिए छोटा सा घर बना दिया जिसमें वो दाना और पानी भी रख दिया है, और जानवरों के लिए गेट के पास एक छोटा सा डिब्बा रख दिया जिसमें पानी और खाना डाल सके। हमारे घर में भी बहुत सारे बिल्लियां हैं, वो भी पानी पी सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं, उन्हें भी अच्छा होगा, और बाहर जो गाय बकरे आएंगे उनको भी अच्छा होगा पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, और थोड़ा सा भी चारा भी डाल देंगे। इस कोरोना के टाइम पे सिर्फ हमारा ही ध्यान नहीं, उन चिड़िया और जानवरों का भी ध्यान रखिएगा और उन्हें हानि भी ना करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।